झाबुआ जिले के मेघनगर से गुजरात जाने के लिए व्यावसायिक वाहनों को पिटोल होते हुए आरटीओ बैरिगेट से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अवैध परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहन मालिक बड़ी चतुराई से मेघनगर से पिटोल तरफ ना जाते हुए रंभापुर रोड से दाहोद व दाहोद से रंभापुर रोड होते हुए मेघनगर की तरफ निकल जाते हैं। रात्रि तो ठीक है, दिन में भी अवैध परिवहन का ऐसा आलम है कि अवैध परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहन मालिक बेखौफ होकर इस रास्ते से गाड़ियां निकाल रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी केवल दिखावटी कार्यवाही करते नजर आते हैं। ताजा मामला रात्रि में एक ट्रक मेघनगर के नए ब्रिज पर और इस स्थिति में बंद पड़ा हुआ था कि हमारे द्वारा ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर द्वारा बताया गया कि गाड़ी के कागज नहीं है एवं इसमें मैग्नीज के पत्थर भरे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्थानीय पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं गया होगा। शुक्रवार की रात्रि वे वाहन क्रमांक MP09HF9505 ओवरब्रिज से गुजरते वक्त पुलिस को देखकर वाहन चालक फरार हो गए। वहीं थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी से संबंधित दस्तावेज पूर्ण होना बताया और गाड़ी को रवाना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब ट्रक के ड्राइवर से पूछा गया कि आप छोड़कर क्यों भागे तो ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी के कागज कंप्लीट नहीं है और गाड़ी ओवरलोड परिवहन कर रही है, पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए भाग गया था। नहीं, गाड़ी का कागज है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ कि किसकी गाड़ी है। गाड़ी सारणी की है। सारणी सेठ का नाम क्या है आपके? विजय। क्या भरा हुआ इसमें माल? क्या बोलते उसको भाई, बत्तर है बोटे वाले। पूरा नाम बताओ, क्या नाम है सेठ? हाँ सेठ का, हाँ विजय सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? सारनी। तो कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? ट्रांसपोर्ट पे लेके जा रहा था। कौन सी ट्रांसपोर्ट पे? तो यार बीच रास्ते में क्यों खड़ी करके भागे तुम? सर पुलिस वाले आ गए थे इसलिए भाग गया सर। उससे वो डर लगता सर, हमारी गाड़ी के पेपर नहीं है। पहली बार आया। पेपर नहीं है आपके पास? नहीं, अरे भजन ज्यादा है गाड़ी में। अच्छा, पेपर वगैरह नहीं है। गाड़ी किसके नाम पे? गाड़ी तो किसके नाम पे? किसके नाम पे गाड़ी? सेठ से बात करो। सेठ से बात करो, नंबर लिखो, हम बाहर देखेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? संदीप।